सूरजमुखी की फसल खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग को लेकर हरियाणा के किसानों ने दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, क्योंकि वे मुख्यमंत्री द्वारा इस बाबत दी गई राहत से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले के पिपली गांव में आयोजित एक महापंचायत में नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। भीड़भाड़ से बचने के लिए ट्रैफिक को दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर डायवर्ट किया गया है। बता दे, दिल्ली से चंडीगढ़ अंबाला की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए कुरुक्षेत्र सेक्टर 2/3 कट से ब्रह्म सरोवर तृतीय गेट के यूके के ढांड रोड से नेशनल हाईवे 152D रहेगा। यमुनानगर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए उमरी चौक पुल के नीचे से वाया उमरी इंद्री लाडवा यमुनानगर रहेगा। चंडीगढ़ से करनाल दिल्ली यमुनानगर जाने वाले वाहनों के लिए अमन होटल पुल से GT रोड पर ना चढ़कर पुल के नीचे से सहा कट से वाया डॉस डका अधोया बाबेन से होते हुए लाडवा से यमुनानगर व करनाल दिल्ली रहेगा। चंडीगढ़ से कैथल हिसार कुरुक्षेत्र जाने वाले वाहनों के लिए सहा पुल के नीचे से जलेबी पुल से होते हुए वाया ठोल 152D रहेगा। बता दें, हरियाणा पंजाब यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसान नेता अपनी मांग को लेकर MSP दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत के लिए पिपली अनाज मंडी में एकत्र हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 36,414 एकड़ में उगाई गई सूरजमुखी की फसल के लिए 8,528 किसानों को अंतरिम भरपाई के रूप में शनिवार को डिजिटल रूप से 29.13 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में BBY के तहत सूरजमुखी की फसल को शामिल करने की घोषणा की थी। एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार किसानों को MSP से नीचे बेची गई उपज के लिए एक निश्चित मुआवजे का भुगतान करती है। राज्य सरकार MSP के नीचे बिकने वाली सूरजमुखी की फसल के लिए योजना के तहत अंतरिम सहायता के रूप में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार सूरजमुखी को 6,400 रुपए प्रति क्विंटल की MSP पर खरीदे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज़।